जैसा कि आज की इस वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फुल डीजे लोडिंग। जैसा कि जो भाई हमारे नए हो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने लगे, जैसे कि हम भाई पहली बार लोड कर रहे हैं डीजे। और जैसे कि इस वीडियो में हम बताते चलेंगे जैसे कि एक एक सामान का सेटिंग आपको कैसे बनवाना है, जैसे कि एंगल का या बॉक्स का सेटिंग आपको कैसे बनवाना है, जो भाई आगे चल के आपको पछताना ना पड़े। जैसे कि अगर आप बनवाना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो जैसे कि इस वीडियो में पहले आपको डीजे वाला एंगल दिखाते हैं जो इस पे हम अपना टॉप लोड करते हैं। जैसे कि 8 पीसी पे लोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको 5 नट एक साइड देखने को मिल जाएगा और 5 नट एक साइड देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसी पे हमारा ज़्यादा लोड रहता है, हमारा काफ़ी ज़्यादा, और ये बीच वाला एंगल सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे 2 एंगल हमने बीच में दरवाया है, और आप ऊपर की साइड में देखेंगे भाई जो हमने भाई पहले तख्ता लोड करते थे वो हटवा के जैसे कि यहाँ पे ये बनवाया है, और हमारा एंगल जैसे कि आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। जैसे कि इस पे आप एम्पलीफायर बहुत ही आराम से धर सकते हैं। और जैसे कि तख्ता लोड करने से ही क्या होता है, बहुत ही रिस्क होता है, तख्ता जैसे कि खसकने का डर रहता है। तो हमारा जैसे कि चार्टॉप यहाँ पर लोड हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम वीडियो भी बना रहे हैं और भाई अपना टॉप भी लोड करवा रहे हैं, इसलिए जैसे कि लोड करते टाइम हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो हमारा चार टॉप यहाँ पे लोड हो चुका है, जो नीचे का जो 15 इंची का टॉप है यहाँ पे चार टॉप हमने लोड कर लिया है, जिसमें हमारा 650 वाट स्पीकर फिटिंग है। जैसे कि आप अगर घर पर टॉप बनवा रहे हैं तो 15 इंची का डुअल स्पीकर वाला टॉप बनवा रहे हैं तो 18 इंच चौड़ाई और 19 इंच गहराई करवाना भाई, उससे काफ़ी अच्छा रहता है, जो आवाज़ रहता है काफ़ी दूर तक जाता है। और हमारा रूम जो है भाई, दुकान जैसे कि भाई घर से थोड़ी दूर पे है, बिल्कुल हाईवे पे आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल भाई रोड के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। कुटान से पिलकिछा जाएंगे तो आपको उसी के बीच में हमारा ये दुकान मिल जाएगा। और यहाँ पर चार टॉप हम लोड करके जैसे कि घर पर आ चुके हैं। जो हमारा टॉप था तो चार टॉप हमारे यहाँ पर था, पूरा सामान लेके हम जैसे कि घर पर आ चुके हैं। देख सकते हैं जो हमारा 2 15 इंची का टॉप है उसमें हमने जाली नहीं लगाया है, पहले ही हमने आपको बताया है चैनल पे, जैसा कि आपको वीडियो मिल जाएगा। और जैसा कि 2 टॉप में हमने भाई 15 इंची के 2 टॉप में हमने जाली लगवाया है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं खुद से जाली लगाया है भाई, पैसा नहीं था। जैसे कि पैसा हो जाएगा तो उसमें भी हम लगा देंगे। जैसे कि 8 इस बार हम भाई 15 इंची का टॉप लाद रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हाइस जो है भाई M 56, जैसे कि भाई हाइस काफ़ी ज़्यादा इस बार होगा भाई, 15 इंची का टॉप है तो इसमें बेस ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, इसीलिए भाई हाइस इस बार हमने बढ़ा दिया है। तो हमने ऊपर भाई जो था 12 पीस हाइस उसको पहले लोड करते हैं, उसके बाद भाई जो हम लोड करेंगे यहाँ पे भाई M 56 वाला जैसे कि हाइस लोड करेंगे, और हमारे जो साइड जो पार लाइट वाला एंगल होता है वो भी लोड करेंगे। जैसे कि भाई लोड होने के बाद हमारा कैसा लुक आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और भाई एंगल आप बनवा रहे हैं तो भाई खास करके भाई एंगल में काफ़ी मजबूती डलवाइए, क्योंकि भाई आजकल गांव के साइड में काफ़ी ज़्यादा रोड ख़राब मिलता है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करिए, आप भाई एंगल बनवा रहे हैं तो मोटे लोहे का बनवाइए, तो भाई आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। और जो भाई नाप आप बनवाए भाई, पहले अपना टॉप बनवा ले उसके बाद एंगल बनवाए, उससे यही होता है भाई आपको बाद में चल के पछताना नहीं पड़ता। जैसे कि सारा टॉप बना रहता है उसके बाद एंगल बनवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 12 पीस हाइस है जो ऊपर की साइड लगेगा यहाँ पे हमने लगा लिया है, इसको पहले हम सेफ्टी बेल्ट से कस कर लेते हैं, उसके बाद भाई हम साइड वाला जैसे कि जो हमारा इसके आगे लगेगा, ये तो हमारा 8 टॉप रेडी हो गया, इसके सामने हम लाइट वाला फ्रेम लगाएंगे। और 2 टॉप में आप देखेंगे भाई जैसे कि एक इस साइड टॉप में हमारा जाली नहीं लगा है और एक इस साइड, जैसे कि 2 ही टॉप में आपको जाली नहीं देखने को मिलेगा। ये जो हमारा टॉप है भाई, ये जैसे कि पर लाइट और हाइस जो है भाई इससे टूट जाएगा, जो कि आपको वीडियो में दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भाई 8 टॉप हमारा जो भाई बिल्कुल फिटिंग है इस बार 15 इंची का, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। जैसे कि भाई बस 2 टॉप में हमारा जाली नहीं है, जैसे कि पूरा पैसा नहीं था, नहीं तो हम वो भी 2 टॉप में भाई जाली लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा लाइट वाला फ्रेम आप देख सकते हैं भाई, इस बार भी लाइट वाला फ्रेम आप देख सकते हैं भाई, कुछ न्यू मॉडल में आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी सेफ्टी रहता है इससे, पार लाइट जैसा कि हिलता नहीं भाई, आगे पीछे नहीं होता। और जैसे कि आपको पूरा लोड करके हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भाई हमारे इस सेटअप का जो लुक निकल के आ रहा है भाई, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके से आप सेटअप बनवा रहे हो तो भाई कितने प्राइस में आपको ऐसा सेटअप मिल जाएगा, जैसे कि इस सेटअप में कितना खर्च बैठ जाता है वो भाई आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके कमेंट का हम जवाब जरूर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 टॉप देखेंगे भाई, हमारा बिल्कुल टूट गया है, जैसे कि वो नहीं दिख रहा है, जैसा कि उसमें जाली लगा है या नहीं लगा है। और जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं भाई,
यहाँ पे जो हमारा भाई नीचे के साइड में आपको 650 वाट का स्पीकर देखने को मिल जाएगा और ऊपर के साइड में आपको 400 वाट स्पीकर। जैसे कि यहाँ पे इस सेटअप को देख सकते हैं, सेफ्टी बेल्ट से हमने काफी ज्यादा कस लिया है, जैसे कि ऊपर की साइड और बेड़ा साइड जो होता है भाई सेफ्टी बेल्ट लगा के काफी अच्छे से बांध लिया है। जो भाई गांव के साइड में आप जाते हैं ज्यादा ही ब्रेकर मिलता है तो भाई काफी सेफ्टी के साथ बांधना पड़ता है। और भाई इस सेटअप के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। तो भाई आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो आई होप कि भाई आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा इस सेटअप के बारे में। तो भाई इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो प्लीज इस मेहनत के लिए भाई एक लाइक जरूर कर देना, ये खास वीडियो आप सबके लिए है। और भाई इस सेटअप का साउंड चेक अगर आप सुनना चाहते हैं तो भाई कल के वीडियो में इस सेटअप को जैसे कि साउंड चेक डाल देंगे तो आप जैसे कि हमारे चैनल पे जाके देख लेना। तो भाई हमारे इस चैनल पे आप नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और भाई बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना। तो भाई कल का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको एम्पलीफायर का, जैसे कि डिटेल आपको मालूम चल पाएगा किस एम्पलीफायर कितना लोड डालेंगे, 600 वाट और 400 वाट हम किस एम्पलीफायर से बजाएंगे और इस सेटअप से हमको बेस वाइब्रेशन कितना ज़्यादा देखने को मिल जाएगा और भाई हाइस का क्वालिटी क्या है भाई इतने हाइस चलाने का। तो आपको फुल वीडियो आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।